छिंदवाड़ा के कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने दिव्यांग जनों को कृत्रिम अंग और उपकरण प्रदान करने के लिए परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 1072 दिव्यांगों का पंजीयन किया गया, 279 दिव्यांगों को प्रमाण पत्र, 207 दिव्यांगों को बस पास वितरित और 558 दिव्यांगों को उपकरण के लिए चिन्हित किया गया। वहीं शिविर में अव्यवस्था को देखकर CEO गजेंद्र सिंह नागेश ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई। इस दौरान कार्यक्रम में पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक दीपक सक्सेना, CEO गजेंद्र सिंह नागेश, निगम आयुक्त इच्छित गणपाले सहित वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित। बात ये रही है, दूसरा एक हमारी और इन शिविरों के माध्यम से खोज ये है कि अभी हमारे जिले में इस वर्ष का डेटा 21,000 है, लेकिन लगातार ये संख्या में वृद्धि हो रही है और नए भी हमारे हितग्राही चिन्हित हो रहे हैं। उद्देश्य ये है कि दिव्यांगजन वो किसी भी स्तर पे हो, ग्रामीण क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्र में हो, और उसकी कितनी भी प्रतिशत की विकलांगता है उसको हम एक बार अपने दस्तावेजों में ले आ सके और उसको किस तरीके से उपकरणों के माध्यम से मदद हो, स्वास्थ्य की मदद हो, उसका सामाजिक पुनर्वास हो। ताज़ा खबरों के लिए लॉग इन, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें www.newslivemp.com।